मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने कॉर्डेलिया द इम्प्रेस नाम के शिप पर चल रही पार्टी पर छापेमारी की। पार्टी में बॉलीवुड एक्टर के बेटे समेत 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसमें से 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि एक्टर के बारे में एनसीबी ने अब तक ज्यादा जानकारी नहीं दी है। कयास लगाए जा रही हैं कि स्टारकिड बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान है। आर्यन खान से पूछताछ की जा रही है। एनसीबी को छापेमारी में शिप से कोकीन, हशीश और एमडी समेत कई ड्रग्स बरामद हुए हैं। इसकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। दरअसल एजेंसी को इस बात की जानकारी मिली थी कि मुंबई से गोवा जाने वाले शिप में ड्रग्स पार्टी का आयोजन किया जा रहा है, जिसके बाद एनसीबी ने अपने कुछ अधिकारियों को यात्री के वेश में शिप पर भेज दिया। इन्वेस्टिगेशन चालू है अभी कुछ भी कहना इट विल बी वेरी प्रीमैच्योर। आईपीएस लोगों ताबत घेतले, मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा इस बारे में। इस पूरे ऑपरेशन को एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने अंजाम दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर।